बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो दानियाल मुइनुद्दीन ने लिखी है। दानियाल मुइनुद्दीन कौन है, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इनकी लिखी गई शॉर्ट स्टोरी जो BS इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी के सिलेबस के अंदर अक्सर पढ़ाई जाती है, जिसका टाइटल नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका एनालिसिस, समरी, थीम, इससे रिलेटेड MCQ, क्वेश्चन, प्लॉट, स्ट्रक्चर को देखेंगे, ताकि ये शॉर्ट स्टोरी हमारी मुकम्मल तरीके से कवर हो सके। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जब आप फोनेटिक्स फोनोलॉजी की ये वीडियो देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और वहाँ से आप उसका नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नोट्स PDF मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पब्लिकेशन डेट से इस शॉर्ट स्टोरी की। ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये 1 जनवरी 2007 के अंदर सबसे पहले पब्लिश की गई थी, और इसको द न्यू यॉर्कर नामी जो वेबसाइट है, जो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर पब्लिश किया था। इवन कि जो हमारे ऑथर हैं स्टोरी के, जो राइटर हैं, जिनका नाम दानियाल मुइनुद्दीन है, वो लाहौर के अंदर उन्होंने अपनी परवरिश पाई। उनके फादर पाकिस्तानी थे, तो वो एक पाकिस्तानी राइटर हैं। ऑब्वियसली वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए कॉलेज के अंदर, जिसका नाम था डार्टमाउथ कॉलेज, और येल लॉ स्कूल भी उन्होंने पढ़ा। तो उनको वहाँ से उन्होंने अपनी पब्लिकेशन कराई, इसलिए उनको अमेरिकन पाकिस्तानी राइटर कहते हैं। लेकिन उनका जो ब्रॉटअप है और उनका जो फादर है, और इसके अलावा उनकी जो रूट्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं। इनके बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो अमेरिका के अंदर रिकग्नाइज किए गए या वर्ल्ड वाइड उसको रिकग्नाइज किया गया, लेकिन बेशतर हिस्सा इनके इनकी ज़िंदगी का पाकिस्तान के अंदर गुजरा। और राइट नाउ वो पाकिस्तान के सदरन पंजाब के अंदर फार्म हाउस के अंदर अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। अगर इस शॉर्ट स्टोरी की तरफ हम वापस आएँ तो ये शॉर्ट स्टोरी भी पाकिस्तान के ही एक एरिया को डिपिक्ट करती है, वहाँ के एक आदमी को डिपिक्ट करती है, और वहाँ का वो जो आदमी है, वो किस तरीके से उसकी लाइफ गुजर रही है, कैसी गुजार रहा है वो अपनी ज़िंदगी, उसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न है, वो सारी बातें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जिक्र करते हैं। और जो सेटिंग लेते हैं शॉर्ट स्टोरी की, वो मुल्तान का सहराई इलाका लेते हैं, और सहराई इलाके से मुराद ये है कि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे रेत है, क्योंकि मुल्तान मशहूर है अपने सहराई मिट्टी की वजह से। मुल्तान के अंदर ज़्यादा आंधियाँ भी आती हैं, वो सूफ़ी का एरिया है, सूफ़ीज़म वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और इससे पहले अगर देखा जाए, यानी कि 90s के टाइम पीरियड में देखा जाए, तो वहाँ पे सहरा आपको मिलेंगे, रेतीले टीले आपको मिलेंगे जो रेत के होते हैं, और रेत की आंधियाँ वहाँ पर चलती थी। तो मुल्तान के इसी एक एरिया फिरोज़ा का जिक्र किया गया है। अब तो मुल्तान बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन आप इसको इमेजिन करें थोड़ा सा पास्ट के अंदर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर इस शॉर्ट स्टोरी की हम थीम देखें तो इसके अंदर पॉवर्टी और क्राइम दिखाया गया है। हमारा जो मेन करेक्टर है नवाबुद्दीन, बेसिकली वो गरीब है, और उसके साथ एक जुर्म हो जाता है, उसके साथ कोई बंदा कर देता है, वो शॉर्ट स्टोरी के अंदर आपको नज़र आएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको पैशन नज़र आएगा, क्योंकि नवाबुद्दीन जो है बेसिकली वो एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन है जो बिजली चोरी करने में मदद करता है सेठ लोगों की, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो फार्म हाउसेस के मालिक हैं, वो अपना मीटर स्लो डाउन करने के लिए नवाबुद्दीन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उसका पैशन नज़र आएगा। उसके अलावा नवाबुद्दीन की जब बहुत ही पॉवर्टी और बहुत ही उसकी गरीब ज़िंदगी चल रही होती है, तो वो लोअर क्लास के अंदर आता है, और फिर लोअर क्लास से जब उसको मोटरसाइकिल मिलती है, तो थोड़ा सा अपर क्लास में शिफ्ट होता है। वो डिफरेंस दिखाया जाता है, लोगों को परसेप्शन उसकी तरफ दिखाया जाता है कि वो कैसे चेंज होता है उसके लिए। उसके अलावा अपर क्लास जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उसके पैटर्न हैं, जो उसके मालिक हैं, जो सही काम कराते हैं, उनकी ज़िंदगी भी दिखाई गई है। इसके अलावा फेयर ऑफ डेथ आपको नजर आता है, क्योंकि जो इंसिडेंट इस स्टोरी के अंदर दिखाया है वो रॉबरी का दिखाया है, कि किस तरीके से नवाबुद्दीन की मोटरसाइकिल छीनने का जो सीन है उसके साथ होता है, उसकी रॉबरी होती है, और उसके अंदर उसको एक गोली भी लग जाती है जिसमें वो मरते मरते बचता है। फिर स्टेटस इन सोसाइटी दिखाते हैं कि नवाबुद्दीन जो है वो मोटरसाइकिल लेने से पहले कैसा था, मोटरसाइकिल लेने के बाद कैसा हो गया। ह्यूमैनिटी नजर आती है कि गाँव वाले नवाबुद्दीन को बचाते हैं मरने से। इसके अलावा मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म और रिवेंज भी आपको नजर आता है, क्योंकि नवाबुद्दीन को जो गोली मारता है रॉबर, उसको भी गोली लग जाती है, और किस्मत से वो पकड़ा जाता है, तो नवाबुद्दीन को कहा जाता है कि उसे माफ़ कर दो तो वो बच जाएगा, लेकिन नवाबुद्दीन उसे माफ़ नहीं करता। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में आपको क्लास डिफरेंस के अंदर नज़र आएगा।
इसके अलावा मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर आपको मटेरियलिस्टिक वर्थ नजर आएगी कि नवाबुद्दीन के पास जब मोटरसाइकिल नहीं थी तो लोग उसे कैसे डील करते थे, जब वो एक पुअर आदमी था, और फिर जब उसकी हालत बेहतर हुई तो कैसे। इस शॉर्ट स्टोरी की जो की पॉइंट है वो हमारा नवाबुद्दीन मेन प्रोटैगनिस्ट ही है, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन है और वो कमाल का माहिर उस्ताद है, जो कि मीटर को ऊपर नीचे कर सकता है। यानी कि अगर आपका आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो इस तरह का कोई मेथड जानता है कि वो मीटर को स्लो कर देता है या मीटर को लो कर देता है। और बहुत बड़े बड़े जो सेठ होते हैं, जैसे कि के हारूनी शॉर्ट स्टोरी के अंदर जिक्र किया है, जो कि एक ज़मींदार है, एक लैंडलॉर्ड है, एक रिच पर्सन है, वो अपने खेतों में पानी देते हुए किस तरीके से मीटर को हल्का करवा देता है नवाबुद्दीन के साथ। ये जो स्टोरी है ये लीनियर स्ट्रक्चर रखती है, यानी कि सादा सा स्ट्रक्चर रखती है। हमारा मेन करेक्टर जो नवाबुद्दीन है उसकी जिंदगी के अनफोल्ड करती रहती है कि अब ये हुआ, अब ये हुआ और अब ये हुआ। इसके अलावा उसकी नेचर दिखाई है जो कि कनिंग है। इसके अलावा उसकी एबिलिटी और लाइफ को किस तरीके से वो देखता है। डिटेल समरी की तरफ जाने से पहले हमें प्लॉट को पढ़ लेना चाहिए। जो नवाबुद्दीन हमारे पास है वो एक इलेक्ट्रिशियन है और वो अपने घर के अंदर वाहिद कमाने वाला है। वो एक बहुत ही तेज़ दिमाग का उस्ताद है, यानी कि उसने एक ऐसा मेथड डेवलप कर लिया है कि वो इलेक्ट्रिक से जो मीटर हैं, जो बिजली के मीटर होते हैं जिनमें यूनिट को नोट किया जाता है, उनको स्लो कर देता है। अब उनको भी जब वो स्लो करता है तो इलेक्ट्रिक कंपनीज को बेसिकली वो चीट कर रहा होता है। और क्यों कर रहा होता है? अपने मज़े के लिए नहीं, बल्कि लोग उससे करवाते हैं, लोग अपने घर का मीटर हल्का करवाते हैं क्योंकि मोहल्ले में ये बात मशहूर है। इसके अलावा एक उसका उस्ताद है या एक मालिक है ज़मीनों वाला, जिसका नाम है के हारूनी। उसको भी पता होता है कि ये ऐसे काम कर सकता है, तो वो उससे मदद लेता है और उसको पैसे पे करता है। इसके लिए नवाबुद्दीन जो है वो उसकी शादी बहुत ही कम एज में हो जाती है और उसके कुल मिला के कोई 13 बच्चे होते हैं, जिसके अंदर से 12 उसकी बेटियां दिखाई हैं और एक बेटा दिखाया है। ऑब्वियसली उन पर डिटेलें डिस्कस की गई, लेकिन नवाबुद्दीन को दिखाया गया। और ये यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से वो बेहद पुअर होने के बावजूद उसके इतने सारे बच्चे हैं। ऑब्वियसली राइटर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन की हुई है, ऐसा मैंने मोस्टली नहीं देखा कि लोगों के बहुत ज़्यादा गुर्बत हो लेकिन उनके 13-14 बच्चे हों। लेकिन ऑब्वियसली एक पर्सनल चॉइस है और राइटर की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। उसके अलावा दिखाया जाता है कि स्टोरी के अंदर जो प्रोग्रेस की जाती है, दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर नवाबुद्दीन है वो एक दफ़ा घर जा रहा होता है तो रोड पे उसको एक आदमी मिलता है जिससे लिफ्ट मांगता है, उसको लिफ्ट दे देता है। लेकिन वो मोटरसाइकिल छीनने वाला थीफ होता है, जैसे कराची के अंदर रॉबरीज होती हैं। अब वो उसकी गन रखता है हेड के ऊपर नवाबुद्दीन की और उसे कहता है मुझे मोटर बाइक दो। नवाबुद्दीन जब रेजिस्ट करता है तो वो गोली चला देता है और नवाबुद्दीन की कमर के अंदर गोली लगती है। इत्तेफाक से होता ये है कि वो जो रॉबर है वो देखता है गांव वाले आ गए आवाज सुन के गोली की, तो वो जल्दी से झाड़ियों में छुप जाता है और जो गन है वहीं गिर जाती है। अचानक से जो वो लोग हैं गांव वाले, वो गन को उठाते हैं तो उनसे फायर हो जाता है। तो फायर होता है वो झाड़ियों में होता है, झाड़ियों के अंदर जो रॉबर होता है उसको लग जाता है और रॉबर इस तरीके से पकड़ा जाता है। अब फर्दर स्टोरी में क्या होगा वो हम डिटेल समरी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। समरी जैसे ही स्टार्ट होती है, नवाबुद्दीन को दिखाया जाता है, वो एक इलेक्ट्रिशियन है, पाकिस्तान के डेजर्टेड रीजन मुल्तान के करीब वो रहता है। नवाबुद्दीन के पास एक यूनिक स्किल है और वो यूनिक स्किल है मीटर्स को चेंज कर देने का, और इसकी वजह से इसके पास कस्टमर भी रहते हैं और इसकी तनख्वाह भी अच्छी बंधी हुई है के हारूनी के पास, क्योंकि उसके फार्म हाउस के अंदर काम करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो मीटर को चेंज भी करता रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे ये काम करा रहे होते हैं। अब के हारूनी ये क्यों करा रहा होता है? क्योंकि उसके पास खेत मौजूद होते हैं, खेत के अंदर ट्यूबवेल होती हैं, मशीनरीज होती हैं जो पानी सप्लाई करने के लिए खेतों में इस्तेमाल होती हैं। तो वो नवाबुद्दीन को एक परमानेंट पे के ऊपर रख लेता है, जिससे नवाबुद्दीन गुर्बत की सतह से ऊपर उठता है और अपनी एक बड़ी सी फैमिली जिसके अंदर 12 बेटियाँ और एक बेटा है उनको सपोर्ट करने के लिए वो ये नौकरी इख्तियार कर लेता है। यानी कि वो परमानेंटली काम कर रहा होता है के हारूनी के पास। इसके अलावा भी वो चंद छोटे मोटे बिजनेसेस कर लेता है, चंद जैसे कि डिफरेंट इर्द गिर्द में मिले मौजूद हैं, फिश फार्म मौजूद हैं, रेडियो के रिपेयरिंग के काम, इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिक काम कर लेता है, लोगों के घरों के मीटर भी स्लो कर देता है। यानी कि जो जिसको जो उसको जैसे पैसा देता है वो वैसे काम इलेक्ट्रिकली रिलेटेड वो कर लेता है। अब नवाबुद्दीन काफ़ी अरसे से के हारूनी के पास काम कर रहा होता है, तो के हारूनी से कहता है कि मैं जब आपके खेतों में काम करने के लिए आता हूँ तो मुझे अपना बड़ा लंबा सफ़र तय करके आना पड़ता है, आप मुझे ना काइंडली एक मोटर बाइक दे दें। जिस पे के हारूनी उससे खुश होता है तो उसको मोटर बाइक भी दे देता है ताकि वो ईजिली आ जा सके। अब ये मोटर बाइक जो होती है ये ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी आसान करती है बल्कि उसका स्टेटस भी बढ़ा देती है, उसकी फ्रेंड्स में, उसकी फैमिलीज़ में, उसके बीवी बच्चों के लिए आने जाने में भी आसानी हो जाती है। तो जो ये नया चीज़ उसको मिली होती है उसको एज अ फ्रीडम लग रही होती है और उसकी जो लाइफ है वो अनएक्सपेक्टेडली चेंज होती है, क्योंकि एक बंदा जिसके पास सवारी नहीं होती वो सफर कर रहा होता है बसों में, रिक्शों में, और अचानक से उसको अपनी सवारी मिल जाए तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और ये उसका स्टेटस बढ़ाने में स्टोरी के अंदर हमारा राइटर हमें दिखाता है कि ये एक छोटी सी चीज भी, एक ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है।
अब एक शाम ऐसा होता है कि नवाबुद्दीन अपने घर जा रहा होता है कि उसको रोड के ऊपर एक बंदा मिलता है जो लिफ्ट मांगता है। अब उस बंदे को बिठा लेता है कि चलो मैं इसको आगे तक छोड़ दूंगा, जैसे कि आम तौर पे गांव में होता है कि गांव के साइड रोड पे अगर कोई बंदा मिल जाता है तो लोग उसको बिठा लेते हैं कि हम इसको आगे छोड़ देंगे, लेकिन वो बंदा रॉबर होता है। वो नवाजुद्दीन की मोटरसाइकिल छीनना छीनना चाहता होता है और उसको गन पॉइंट पर छीनना चाहता होता है, लेकिन नवाजुद्दीन के लिए मोटरसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो वो स्ट्रगल करता है। इस दौरान नवाजुद्दीन को बुलेट्स लगती हैं उसकी टांग के अंदर, उसके नाफ के रीजन के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड होकर रोड पे गिर जाता है। लेकिन रॉबर भी डर जाते हैं क्योंकि विलेजर्स आ जाते हैं गन शॉट सुन के। अब विलेजर्स जो हैं वो रॉबर को बेसिकली पकड़ लेते हैं और उसको एक दो फायर भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो रॉबर है उसकी भी हालत जो है वो नासाज हो जाती है और दोनों को, नवाजुद्दीन को और रॉबर को, दोनों को अस्पताल में दाखिल करा दिया जाता है। नवाजुद्दीन और रॉबर को जब अस्पताल पहुंचाया जाता है तो नवाजुद्दीन बच जाता है और रॉबर बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड होता है। तो नवाजुद्दीन से कहा जाता है कि इसको माफ़ कर दो क्योंकि ये जो रॉबर है ये भी बेचारा बहुत ही गरीब है, इसकी माँ भी बहुत बीमार है, और अगर तुम इसे माफ़ कर दोगे तो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन नवाजुद्दीन जो होता है बेशक के लिए वो बिस्तर मर्ग पर होता है लेकिन उसे माफ़ नहीं करता, वो कहता है नहीं इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और होता कुछ इस तरीके से है कि एट द एंड रॉबर जो है वो मर जाता है और नवाजुद्दीन बच जाता है। और ये नवाजुद्दीन की ढिठाई भी दिखाता है कि किसी भी तरीके से उसने अपने आप को सर्वाइवल की जंग के अंदर जिताया, जैसे कि वो एक हार्ड माइंडेड आदमी था। इवन ये रॉबर भी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था लेकिन वो नवाजुद्दीन की तरह हार्ड माइंड का इंसान नहीं। और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हमारे पास नवाबुद्दीन है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है। ये इलेक्ट्रिशियन है, रिच मैन के लिए काम करता है और इंटेलिजेंट भी है क्योंकि इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल वर्क कर लेता है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिक चीज़ें ठीक कर लेता है, अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, 13 बच्चे हैं इसके। इसके अलावा मोटरसाइकिल इसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हारून एक रिच मैन लैंडलॉर्ड है जो कि नवाजुद्दीन को एक मोटरसाइकिल भी गिफ्ट करता है, नवाजुद्दीन इसके लिए काम भी करता है। नवाजुद्दीन की वाइफ भी दिखाई गई है, उसका कोई नेम कोई मेन करेक्टर नहीं है, बस वो उसके 13 बच्चों की माँ है। इसके अलावा उसकी एक बेटी भी दिखाई गई है जो उस फैमिली का ख्याल रखती है, या फिर उसकी जो बेटियाँ हैं वो बेसिकली नवाजुद्दीन के लिए बर्डन है। क्यों? क्योंकि उसने उनको उनकी शादियाँ करनी है, उनके जहेज देने हैं, तो उनका भी जिक्र किया गया है लेकिन करेक्टर्स नहीं दिखाए गए। इसके अलावा मोटर का सेल्समैन भी दिखाया जाता है जो कि मोटरसाइकिल खरीदने में मदद करता है, और रॉबर भी दिखाया जाता है जो कि नवाजुद्दीन को लूटता भी है और लूटने की कोशिश भी करता है और आखिर में उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा थीम को डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, उम्मीद है कि शॉर्ट स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। नोट्स आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको मेरी वेबसाइट www.bseln.com से मिल जाएंगे। शॉर्ट स्टोरी पसंद आती है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ।